लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और अब मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पत्र भेजा और उस पत्र में तमाम बड़े आरोप लगा दिए और यहां तक कि राहुल गांधी को उन्होंने फेल्ड प्रोडक्ट बताया और कहा कि कांग्रेस कॉपी पेस्ट की पार्टी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लीडिंग भारत टीवी के साथ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीबी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब हमलावर हुए हैं जेपी नड्डा, राहुल गांधी फेल्ड प्रोडक्ट हैं, आप लोगों ने पॉलिश करके दोबारा बाजार में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनका बीजेपी का सारा डीएनए के अंदर है, गांधी परिवार से जलता है। 1947 में महात्मा गांधी जी को इनके सारे आरएसएस वाले ब्रिटिशों के साथ चापलूसी करते थे, उसको मदद करते थे। अब वेस्ट इंडिया कंपनी है और ये आरएसएस दोनों मिलके राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, एक अपोजिशन लीडर को किस तरीके से कंटिन्यूसली चार लोग ने, ये केंद्र मंत्री है, ये अभी नया प्रधानमंत्री का पिट्टू है, बिट्टू है या ये टट्टू है, जो भी है, जो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उसको राहुल गांधी ने पहले एमपी बनाने का काम ना, वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, अब तो वो पुराने बॉस को, अब तो अपने पुराने बॉस को ही टारगेट कर रहे हैं। तो चुनाव हार गया, चुनाव हारने के बाद इसको मंत्री बनाया, वहाँ कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, तो अभी इसका मंत्री जा रहा है, मोदी को कुछ कराना है, इस तरीके का बयानबाजी करो, मंत्री पद बचाओ, ये है बिट्टू का चाल है ये। इसीलिए इस तरीके का बयानबाजी जो कर रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है एक शिवसेना का लीडर ने, संजय गायकवाड़ ने 11 लाख अनाउंस कर रहा है जीप काटने पे, मीन्स ये इनका बीजेपी का नेता एक नरेंद्र मोदी अमित शाह कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है। मारवा जी वो कह रहा है, तो इंदिरा गांधी जी का जो हाल हुआ उनका बेटा के साथ आप इनके साथ होगा करके, देखिए ये वन बाई वन नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है, तो इस पर साफ दिख रहा है। अच्छा श्रीनिवास जी एक बात बताइए, राहुल गांधी पर अटैक हुआ तो आपको लग रहा है कि ओपोजिशन लीडर के ऊपर इस तरह का अटैक हो रहा है, बहुत संवेदनशील है, आप लोगों ने भी तो कभी नहीं छोड़ी, आप लोगों ने भी तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और वो लेटर में जेपी नड्डा ने जिक्र किया है, उन सभी शब्दों का जिक्र किया है। एक मिनट आप देखिए, प्रधानमंत्री वो बीजेपी का सारा नेता मुद्दे पे कभी भी बात नहीं करते, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेंगे नंबर वन, महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, नफरत हिंसा सबसे ज़्यादा, करप्शन चल रहा है देश में, अभी सीबी का जो करप्शन हुआ है ये माधवी बूच के अकाउंट पे डायरेक्ट पैसा जा रहा है सीधा उसका नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, और चुनाव में ये लोग चुनाव हारने का इन लोगों के अंदर जो डर है ये सारी को लोगों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, हरियाणा का चुनाव को, ये मुद्दे को भटकाने के लिए राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। श्रीनिवास जी वो तो जवाब जो है जेपी नड्डा ने उस बात का दिया है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जबान काटने का बयान और राहुल गांधी को आतंकवादी बताना ये सब उनकी जान को खतरा, तो उन्होंने पलटवार करके जवाब दिया कि भैया आपने भी प्रधानमंत्री को तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं एक बात बोल रहा हूँ, इनका शोभा है क्या, सत्ता पे है आप लोग इस तरीके का बात कर रहे हैं एक अपोजिशन लीडर को, अब समझो ना, इनका इसका पे पहली बार नहीं, आप लोगों ने भी तो की थी प्रधानमंत्री को लेकर। अरे हम उनका गलती को गलती बोल रहे हैं, उसमें क्या गलत है भैया, अब बार बार गलत कर रहा है, हम गलत बोल रहा है, प्रधानमंत्री का मौत का सौदागर बताएंगे, हमने कब बोला, सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर, सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर। भैया देखो आप भी इस तरीके का जो ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं, नहीं श्रीनिवास, हम बीजेपी वाले सवाल नहीं पूछ रहे, हम बीजेपी के सवाल नहीं पूछ रहे, हम केवल सवाल वो पूछ रहे जो उस पत्र में जिक्र किया, उस पत्र में एक मिनट सुनिए, इस देश में, इस देश के लिए
दो दो पूर्व प्रधानमंत्री सादत हुआ है, सोनिया गांधी जी अपने पति को खोया है, क्या समझते हैं इन लोग? त्याग का क्या पता है इन लोगों को? सोनिया गांधी जी के साथ इन लोग ने क्या शब्द बताया है? ये नरेंद्र मोदी जी बोलना है, नरेंद्र मोदी जी विदेश में चाइना में गए वहाँ क्या बोला, दोहा में गए क्या बोला, जर्मनी में क्या बोला, ये सारे जानते हैं लोग। इनका क्या है, डाइवर्ट कराना है। मतलब आपका कहना ये है कि गजनी सरकार है, भूल जाते हैं जो बात बोलती है। गजनी मूवी देखा है आप? हाँ देखा है। ये गजनी है, ये सरकार गजनी सरकार है, यहाँ कुछ भी बोलो वो भूल जाता है। अपने मंत्रिमंडल का लोग कुछ बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं है, उसको समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी ऐसे हो गया है धृतराष्ट्र जैसे, आंख में पट्टी बंध के बैठा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी हमारे साथ थे, उन्होंने भी कई ऐसे बयान गिनाए हैं और कई ऐसे दावे किए हैं कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका मानना यह है कि ये शायद केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने की एक जद्दोजहद चल पड़ी है। लीडिंग भारत टीवी के लिए फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मैं मोहसिन।